अस्सलाम वालेकुम। मेरे स्पेशल से व्यूअर्स के साथ मैं शेयर कर रही हूँ चिकन पकोड़ा की बहुत ही जबरदस्त रेसिपी। तो रेसिपी ट्राई करेंगे तो बाकी सब पकोड़े भूल जाएंगे। 2 कप मैंने इसके लिए मैदा ले लिया है, बड़े से बाउल में ऐड कर लें। और इसमें फिर मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 चुटकी अजवाइन ली है और उसको थोड़ा सा क्रश करके ऐड किया है। मिक्स कर लें और पानी को ऐड करके आपने इसका अच्छा सा स्मूथ सा डो रेडी कर लेना है। अच्छी तरह से गूंद लें और फिर सेट होने के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रखते हैं। 5 लेग पीसेस ले लिए, अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिएगा। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून शामिल कर लें। नमक जाएगा इसमें 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, ये है चाट मसाला 1 टीस्पून और लेमन 1 शामिल किया है। अच्छी तरह से स्क्वीज कर लें और ये है सब्ज धनिया चॉप किया हुआ 2 से 3 टेबलस्पून है। मिक्स कर लें, मैरिनेशन के लिए ज़रूरत नहीं है। एक पैन ले लें, 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर लें और लेग पीसेस को शामिल कर लें इसमें। हाई फ्लेम पे मैंने इसको 5 to 6 मिनट्स के लिए पहले फ्राई कर लिया था और फिर 20 से 25 मिनट मैंने इनको स्टीम दे दिया था। ठीक है, और ये रेडी हो गए हैं, ठंडा कर लेते हैं। डो रेडी हो चुका है, उसको मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है, इक्वल पार्ट्स कर लिए हैं और फिर इसके बॉल्स रेडी कर लिए। और जिस तरह से रोटी आप बेलते हैं घर में, जिस थिकनेस की उसी थिकनेस की बड़ी सी रोटी बेल लें और फिर पिज्ज़ा कटर या नाइफ से इस तरह से स्ट्रिप्स बना लें। साइड से जो कट होंगी उसको आप पापड़ी के तौर पर फ्राई कर लीजिएगा। और इस तरह से मैंने सारे रेडी कर लिए थे और फिर लेग पीसेस जब ठंडे हो जाएं तो आपने इस तरह से ओवरलैप करते हुए इनको रैप करना है, दरमियान में स्पेस नहीं छोड़नी। अच्छी तरह से ओवरलैप आपने करके इसको कम्प्लीटली रैप करके लास्ट में से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा ताकि वो अच्छी तरह से इसके साथ स्टिक हो जाए। हाई फ्लेम पे मैंने इनको ऐड किया था और फिर मीडियम फ्लेम पे मैंने 20 से 25 मिनट के लिए इनको गोल्डन ब्राउन कर लिया। बहुत ही क्रंची रेडी होते हैं, चेक कर लीजिए। फिर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।